गुड इवनिंग, हाल आते हो? आज आप एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें आपको इंटीग्रेट कर देना है कास्ट एक्स माइनस कास्ट अल्फा अपॉन कास्ट एक्स माइनस कास्ट अल्फा। आप देख रहे हैं कि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, यानी जो उसका सिंप्लीफाई है साधारण टर्मों में है उसमें चेंज करके ही आप उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर cos c माइनस cos g का फार्मूला अप्लाई करें। cos c माइनस cos g 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू sin c माइनस डी बाई टू का फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर दे रहे हैं। यहाँ पर भी सी डी फार्मूला अप्लाई किया गया तो आपको माइनस 2 sin x का अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 प्राप्त हो गया, जिसको सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं कि साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में बाई 2 का टर्म है, सो आपको जो है न्यूमरेटर को भी बाय 2 एंगल्स में चेंज करना होगा। आप फार्मूला जानते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, देन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और इसी साइन एक्स का फार्मूला हम फाइंड इट बाई 2 में यूज कर रहे हैं, टू साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2। इसमें भी साइन एक्स का फार्मूला टू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2। डिनोमिनेटर वही रहेगा और फिर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 से साइन एक्स प्लस और साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 से साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो रहा है। इसको आप कैंसिल कर दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया टर्म। इसके बाद जो रिमेनिंग टर्म था 4 कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2, जिसे हम 2 को जो है यहाँ पर देख 2 को अलग कर दे रहे हैं और 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यूज कर दिया और सॉल्व करने पर आपको 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा प्राप्त हो गया। और अब हम ये जो है सिंपल टर्मों में आ गया, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। देन कॉस 2 एक्स माइनस कॉस 2 अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स की वैल्यू हमने क्या लिखी, इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा डी एक्स, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा, क्योंकि 2 कॉस अल्फा आप देख रहे हैं एक्स के लिए कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन 2 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, यह रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कल देखेंगे।